हेलो फ्रेंड्स, हॉगा इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित सबरवाल। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी म्यूचुअल फंड्स की सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट के बारे में कि भाई हम कैसे सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, वो क्यों उसे हम एक मैंडेटोरीली हमारे को वो लेनी चाहिए। मेरे क्लाइंट से जब बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस के बिना भी काम चल सकता है, बट आखिर क्यों हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सेविंग्स को इरोड होने से बचाती है। खुदा न खास्ता अगर कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वहाँ पे कोई मेजर डिजीज़ या कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे केस में आदमी ने जो इतने टाइम से अपनी सेविंग्स रखी होती हैं अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, वो सेविंग्स यहाँ पर यूटिलाइज हो जाती हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इस पार्ट को टेक केयर करती है, नंबर वन। नंबर टू, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर आपको याद हो, अगर आप 10 साल पहले जाएं, तो 10 साल पहले एक डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी जो है वो 200-300 रुपए की होती थी, जो आज की डेट में एक जूनियर डॉक्टर की जो फ़ी है वो भी 800-1000 रुपए है। और अगर आप किसी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए जाते हैं दिल्ली NCR या मेट्रो जैसे शहर में, तो वहाँ पर एक HOD की जो फ़ीस है वो 1800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जिस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं, इन एक्सपेंसेस को टेक केयर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उतनी ही जल्दी जो है आपके नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड, जहाँ पे कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड देती है, वो जल्दी कवर हो जाएगा और आपकी पॉलिसी जो है वो सारा कुछ जल्दी कवर करेगी। तो इसलिए सूनर यू स्टार्ट बेटर इट इज़। और हमारी हेल्थ जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम उसकी टेक केयर करें। और जिस हिसाब से आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज़ आ रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, शुगर से डायबिटीज़ है, फिर आपका थायराइड हो गया, तो ये डिजीज़ जैसे ही हम लेट 30s या 40s में जाते हैं तो कोई ना कोई ये डिज़ीज़ हमें टच कर ही लेती है। तो ऐसे में अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है, देन वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट कि अगर इसकी वजह से कोई अगर बीमारी होती है या बड़ी प्रॉब्लम आती है, सो वो एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ। तो इसलिए देर मत करिए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। और कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी रहेगी आप अपने एडवाइज़र से चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।